हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको इस पीरियड में मैथ के बारे में कराने जा रहे हैं। मैथ का टॉपिक है और मैथ के अंदर सब्जेक्ट आपका मैथ है और टॉपिक आपका टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको जीरो के मान, 30 के मान, 45, 60 और 90 के मान निकालना आपको सिखाए थे मैंने। ठीक है ना, तो अब आपको वो टेबल बनाने में आपको पूरी सिखा दी, आज मैं आपको थोड़ी अनुपातों में सिखाता हूँ। देखिए आप लोग, ये आपका बाई एच और ये आपका एक्स है, ये एक्स एच है और ये आपका बाई एच है। ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पर देखें, आपका ये जीरो, ये आपका नब्बे, ठीक, प्रत्येक खाना है वो नब्बे का होता है, नब्बे, फिर 180, 270 और लॉट के पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो ये आपका 360 का हो जाता है, इसलिए हम इसे लिख देते हैं और 360। क्लियर, 360, जीरो शुरू हुआ जीरो से 90, 180, 270 और 360। ठीक, अब देखिए जीरो से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, ये होगा आपका, तो आपके अनुपात होगा इसमें आएगा 90 माइनस 3, क्या आएगा 90 माइनस 3। अब इसमें क्या होगा, 90 से तो बड़ा होगा तो बढ़ेगी, अभी क्या होता है प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा ये सब पे अभी क्या लेंगे, डिग्री लेंगे, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये सब पे अभी क्या है, डिग्री। ठीक, और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब आया तीसरे चौथे चतुर्थांश में, तो 180 से क्या होगा, बड़ा होगा आपका बेटा, और 270 से क्या होगा, छोटा होगा, तो 270 माइनस थीटा। क्लियर, अब आप आएंगे चौथे चतुर्थांश में, तो देखिए चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, 270 से बड़ा, 360 से छोटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई आपके, चार चतुर्थांश हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो जीरो से बड़ा 90, तो 90 माइनस थीटा, इसमें आपका आएगा 90 से बड़ा, 180 से छोटा, इसे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक, तीसरे में आएगा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। ठीक है, तीसरे में आपका आएगा चौथे में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो आपके चार चतुर्थांश हो गए। ठीक, अब देखिए त्रिकोण के अंदर आपने छह नाम पढ़े, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक। ठीक, बहुत अच्छी तरीका है समझे, वैसे आपके फॉर्मूले बनते हैं 6 6 12 12 4 48, कितने बनते हैं 48, तो आपको याद करने बहुत ज्यादा समय लगेगा, और आप मानिए जो ट्रिक बताने आपको जा रहे हैं, याद कर समझ में आप तो समझ लीजिए, आपको चुटकियों में आपको याद हो जाएगा, चलते फिरते बता देंगे आप, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और वैसे आप गलतियां करते रहेंगे, कभी गलत गलती कभी मान ली, तो भाई ट्रिक को आप तो आप कभी ये फॉर्मूलों को नहीं भूलेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा आपके छह नाम है, साइन, कॉस, टेन, ठीक, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, आपके छह नाम आए, तो हम पहले क्या ले रहे हैं, 90 माइनस थीटा, 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 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा किसमें आ गए, प्रथम चतुर्थांश में, किसमें आ गए आपके, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, तो देखिए आपके इसमें चार चीजें आती हैं, चार है, 90, 180, 270 और 360। ठीक, 360, तो आपको याद रखना होगा, इसको लगाएं, आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा कि आपका जो मान है 180 और 360 में नहीं बदलते, साइन का साइन रहता है,
कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है, सेक का सेक रहता है, कुसेक का कुसेक रहता है। ठीक, बात समझ आ गई। तो देखिए साइन 90 माने थीटा, तो साइन जब आएंगे 90 और 270 में बदल जाते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कुसेक होता है, कुसेक का सेक होता है। तो साइन 90 माने थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 माने थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या होगा, टेन थीटा। सेक का क्या होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक का क्या होगा, सेक थीटा। ठीक, अब इसमें एक चीज आपकी चिन्हों वाली बात है। तो चिन्ह क्या होंगे, उसके लिए हमने बनाया है, पहला हम लिखते हैं और, और माने सब, और आपका पॉजिटिव, आपका ये क्या होगा, और पॉजिटिव, और पॉजिटिव, और माने पहले सब होंगे, वो सब क्या होंगे, प्लस के, किसके होंगे, प्लस के। पर प्लस चिन्ह कभी लिखा नहीं जाता, प्लस चिन्ह लिखाने क्यों, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर हमारा प्लस का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश होगा, कितना हुआ, प्रथम चतुर्थांश। क्लियर, अब आप आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय में आपके दो होते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो हम पहले लेके चलते हैं 90 प्लस थीटा। तो देखिए हम इसी में करने दे रहे हैं आपके, आपको आगे, आपको आगे करना है, कॉपी में जब भी करेंगे तो आपको आगे करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस, अगर हमने क्या कर दिया, प्लस, इसे हमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, प्लस हो गया। अब आपका आ गए, हम द्वितीय में आ गए, किसमें हम आ गए, द्वितीय में, द्वितीय में आ गए। तो देखिए हमने अपने तरफ से बनाया है और सर्विस, और सर्विस। तो पहला अक्षर आपका क्या आ रहा है, एस, क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस क्या होता है, साइन। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है बेटा, कोसेक। तो ये आपके दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और आपके चार रह गए वो आपके निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं बेटा, निगेटिव। तो देखिए ना गलत लगता नहीं, सेम वही रहता है, साइन का कॉस हो जाएगा, बदल जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कोसेक होता है, और कोसेक का सेक थीटा होता है। और इसमें देखो कौन से प्लस होते हैं, साइन, तो पहले आगे वाले में साइन देखे जाता है, तो ये प्लस का, और कोसेक, कोसेक का ये प्लस का, बाकी आपके चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इस चीज को याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी, गलती यहाँ पर ही होती है, वो प्लस माइनस की होती है, क्योंकि आपको पता है 90 270 में बदलते हैं, और 180 और 360 में नहीं बदलते। ठीक है, ये चीज तो आपको याद हो जाएगी, ध्यान में रहेगी, पर चिन्हों पर से ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया है, ट्रिक बनाई है, और सर्विस, पहला अक्षर ऐसा आया तो साइन उसे कोई के बाकी चारों निगेटिव। ठीक, 90 प्लस की बात हो गई, अब आएंगे हम 180 वाले पर। ठीक है, तो 180 के लिए हम हुई आपका साफ कर रहे हैं, ठीक बेटा। तो हमें क्या लिखनी है पे आपका, तो देखो 180 माइनस थीटा, 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 सब पे क्या लगा देंगे, डिग्री लगा देंगे, क्या लगा देंगे आप, डिग्री। ठीक, नाम छह ही होंगे। ठीक, अब आपके द्वितीय में, तो मेरे कहा 180 नहीं बढ़ते, तो क्या रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा बेटा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक, अब आप सीधे कौन से पॉजिटिव है, साइन कोसेक, तो साइन आपका ये पॉजिटिव, कोसेक आपका ये पॉजिटिव, बाकी चार आपके क्या हो जाए,
ठीक है, तो आपके द्वितीय चतुर्थांश क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब आप आएंगे तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में, तो आपका पहला क्या है प्लस, क्या है प्लस, तो 180 प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आप यहां थोड़ा समझ लें, चिन्हों को हटा दें, मान ली चिन्हों को आप साफ कर दें, आपको अगले आगे करना है, आप साफ नहीं कर सकते, हमारा डिलीवर सुन साफ कर दिया, आपको तो आगे अगले पेज पर पूरा नोट करना है, ठीक। अब देखिए 180, तो हमने बनाया और सर्विस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक, तो ट्रांसपोर्ट का लेक्चर क्या आ रहा है 10, तो आपके क्या आ जाएंगे 10 और कॉल, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी चारों क्या होंगे निगेटिव हो जाएंगे, जहां 180 प्लस आएगा और 270 माइनस थीटा आएगा, ठीक। तो 180 प्लस, तो देखिए 10 और कॉल पॉजिटिव, बाकी आपके चारों नेगेटिव, कंप्लीट हुआ आपका चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ, वही चीज है, समझ आ गई, याद आपको क्या करना है, 10 10 और पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं, ठीक। अब आप आए किस पर, 270 माइनस थीटा पर, तो आपके लिए साफ करना होगा सब कुछ, ठीक है, तो 270 270 माइनस थीटा, 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 ठीक। तो जो मैंने क्या कहा 90 और 270 में क्या होते हैं, बदलते हैं, तो साइन का क्या होगा आपका कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा साइन थीटा, टेन का क्या होगा बेटा आपका कॉस थीटा, कॉट का क्या होगा बेटा टेन थीटा, सेक का क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक का क्या होगा बेटा सेक थीटा, ठीक। मैंने बताया तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है टेन कॉट पॉजिटिव, टेन आपका ये है तो ये पॉजिटिव, कॉट ये है तो ये पॉजिटिव, बाकी आपके चारों नेगेटिव, ठीक। तो आपका ये तृतीय चतुर्थांश भी क्या होगा कंप्लीट होगा, ठीक। अब आप आए फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में, तो फोर्थ में क्या आता है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, हम तो यही बिगाड़ रहे हैं, आप अगले पेज पर भी पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा तो लेटर बोर्ड है इसलिए हम साफ कर लेंगे, आप कॉपी पर साफ नहीं कर सकते, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, समय पर लिखने में आसानी हो जाएगी, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सॉरी हमसे भी गलती हो गई, हमें सिर्फ प्लस लगाना था, पूरा बिगाड़ दिया, ठीक है, तो फिर हमें पूरा लिखना पड़ेगा, 270 प्लस थीटा, 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 ठीक। तो बताएं सागर क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा, साइन कॉस का साइन होता है, और टेन का कॉट होता है बेटा, कॉट का टेन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, ठीक। अब चतुर्थ में और सर्वे, तो हमने फॉर्मूला ट्रिक बनाई है, और सर्वे ट्रांसपोर्ट कंपनी, कंपनी, तो देखो पहला चर क्या आ रहा है सी, तो सी का क्या होता है कॉस, ठीक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये आपके दो पॉजिटिव होंगे, बाकी चार आपके क्या होंगे निगेटिव, तो देखो कॉस ही है तो आपका ये पॉजिटिव हो गया, और सेक है तो आपका ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब आपके चारों क्या
क्यों गर्भ की हमला किससे होती है बेटा, चिन्ह से होती है, इसीलिए याद बेहद यहाँ रखें। जो 70 प्लस हो गया, अब कौन सा लेना, 360 माइनस थीटा, तो आपको इतना निकालना होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 370 माइनस थीटा, 370 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 370 गलत हो गया है, 360 है। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, सब पे क्या लगेगी आपकी डिग्री लगेगी, क्या लगेगी डिग्री। तो देखिए साइन का क्या होता है, आपका 360 बदलता ही नहीं है, तो आपका क्या रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। ठीक, जो पॉजिटिव कौन से होते हैं, कॉस, तो ये आपका ये पॉजिटिव है, और सेक आपका ये पॉजिटिव है, बाकी आपके टोटली क्या हो जाएंगे, निगेटिव। कितने जाएंगे आपके, निगेटिव। क्लियर, इसके बाद आप आगे और देखना चाहें तो देखो 360 है, इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। और आगे करना चाहें तो और कर लें, ना करना चाहें कोई बात नहीं, इतनी से आपका काम चल जाएगा। जब बड़े मान आते हैं तो उसके लिए अलग होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एन गुणा 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 360 प्लस माइनस थीटा, उसके लिए मान निकालते हैं, तो ये आपको टोटल पास हो गए, ये टोटल फॉर्मूले हो गए। इस चीज़ को आप सही आपके लिए आए तो वीडियो को एक दो बार पुश करके बार बार रिपीट करके समझें, और चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, इस चीज ट्रस्ट को रखेंगे और सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत आपका मेन टॉपिक है, फॉर्मूले बहुत हैं, समझ लेंगे आप तो आपको कुछ ही सेकेंडों में आपको पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक बेटा, ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है।